तो आप देख रहे हैं मैं पायलानी तहसील के सामने खड़ी हूँ। यहाँ पर अन्ना जानवरों को लेकर सैकड़ों किसान पायलानी तहसील में ज्ञापन देकर मांग की है कि हमारे गांव में जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं उन्हीं किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं। रात दिन किसान जग कर अपनी फसल को रखवारी कर रहे हैं और फिर भी नहीं किसान की फसल बच पा रही है। इसलिए किसानों की मांग है कि जो अन्य जानवर घूम रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। सबसे बड़ी समस्या गायों की है, एक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, दूसरी फसल बोई है वो भी नष्ट होने की कगार पे। अन्ना जानवर कम से कम 100-120 या 30 के आसपास होंगे, कोई गौशाला नहीं है। हर साल किसान थोड़ा बहुत चंदा अंदा करके इधर उधर के गौशाला में भेज देते रहे हैं, लेकिन इस साल वो भी व्यवस्था नहीं है। धान उसे कहीं डिग्गी बजवाई जाए, जिसके गाय हो अपना बांध ले, इसके बाद हम गौशाला में बिड़वाएंगे। और 4 महीने की फसल सब खा गई, एक दाना नहीं है। किसान परेशान है, मारा मारा फिरता है, रात दिन जागता है और खेत नहीं बचा पा रहा है। 8 दिन पहले कहा था, 4 महीने पहले कहा था, यानी हम कहते ही रहते हैं। वो हमारे गांव घर का प्रतिनिधि है, हमेशा उससे कहते हैं। वो कहते हैं हो जाएगी व्यवस्था, हो जाएगी व्यवस्था। इसी तरह तीन चार साल से हो रहा है, जब से अन्ना प्रथा चालू हुआ है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक हमारे गाँव के लिए। अभी तक हमारे गाँव के लोग बहुत परेशान हुए हैं। इस साल 4 महीने की फसल जो थी वो भी चली गई, अभी कोई उसके पास किसान के पास कोई चारा नहीं है। रात दिन जगता है, वो भी नहीं कोशिश करता है कि शायद बच जाए कुछ, वो भी नहीं बचा पा रहा है। अब देखो प्रशासन क्या करता है। तो आज कहाँ पर आए थे? आज SDM साहब के यहाँ आए थे, एप्लीकेशन दिया है। हमारी मांग यही है कि हमारे गाय में गौशाला हो जाए, या तो हमारे गाय की गाय जो है वो उसकी कहीं व्यवस्था हो जाए, ताकि फसल हो सके हमारे गाँव में। और क्या है, हम लोग ये परेशान है कि दूसरी फसल अगर बो रहे हैं और जानवर इसी तरह घूम रहे हैं तो हमारे गांव में कुछ बचने का नहीं है। गांव के हम ये मानते हैं कि 2-4 जानवर छुटपुट हैं, बाकी अगल बगल के गांव के पूरे जानवर आके पूरे गांव को जो है तो तहस नहस किए हैं। एक जगह जहां पे मतलब ये नहीं है, अगर प्रशासन भी जाकर जाके देखे हमारे गांव में कुछ किसी भी तरह की कोई फसल नहीं बची, एक फसल। व्यवस्था करते थे हम लोग आपस में गाँव में 2-2, 4-4 सौ रुपये चंदा करके, और उनके चारे की व्यवस्था करते थे। गांव में हमारे धान होता था, करब होती थी, इन साल वो भी नहीं है। अब आखिर ये समस्या अभाव तो है ही है, कोरोना काल लगा रहा है, गांव में जो कुछ था वो सब समाप्त हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो उन गायों की व्यवस्था कैसे करें हम लोग? ये आपकी दोई हो, दोई की गाय हो, आपको सबको पता होगा कि किसकी है। जी जी, है ना बेटा? पहले आप सुना बांधो पकड़ के, अपने ग्राम प्रधान के पास जाओ, वहाँ मुनादी करा दो, सब इकट्ठे हो गया उनके घर जाओ, ये कहा प्रधान जी मुनादी कराओ। SDM साहब साहिबा से मिले हैं, उनको बताया है अपनी समस्या। उन्होंने कहा कि जो गांव के जानवर हैं वो सब बांध लें। तो गांव के जानवर अगर बांधते होते तो ये इतने जानवर आते कहाँ से? कहते हैं FIR करो उनके खिलाफ। भला एक दूसरे का कौन, कोई भी FIR किसी के खिलाफ नहीं कर सकता। इस बार SDM साहब से कहा गया है, तो उन्होंने कहा आप पहले अपने प्रधान से कहिए और इसके बाद व्यवस्था हम करेंगे आगे सोच। उन्होंने कहा है कि मतलब पहले अपने गांव की गाय बांधो, इसके बाद हम व्यवस्था का आश्वासन मिल गया है, बाकी कोई रिस्पांस नहीं दिख रहे हैं। पूरा के डेरा में तालाब एक सूखा पड़ा है जी, उसकी खसरा और खतौनी बनवा रहा है बंदा, और वो जैसे बनवा के ला रहा है, अगर SDM साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो मैं वहाँ टेम्परेरी व्यवस्था जानवरों के लिए कर दूंगा। तो कितने दिन में हो जाएंगे मुलाकात? 8 से 10 दिन के अंदर। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।